कहाँ गया लॉकेट? यहीं तो रखा था, कहीं किसी ने पहन तो नहीं लिया? नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो कमरे का दरवाजा बंद रखा था। लेकिन हो ना हो जरूर कोई इस कमरे में आया है। सुबह सुबह कौन आ जाता है? क्या प्रणाम राजू भैया, हम आपके लिए दूध लाया हूं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा भिखारी भैया आप यही रहते हैं ना सामने? क्या कहते, अरे हम कुछ नहीं कहते भाई। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कल रात को आपने यहाँ किसी को आते देखा था? रेखा, रेखा हमारी भैंस है भाई, अरे वो तो हमारी माँ की तरह है। बिहारी भैया हम ये कह रहे हैं कि कल रात को यहाँ पे कोई आया था क्या? गाना गाया, अरे हमने तो गाना गाया भाई। आप जरा मेरी बात सुनिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कल रात को यहाँ पे कोई आया था क्या? हाँ, देखा दो आदमी घर में घुस रहा था, खिड़की से झांक रहा था। अच्छा तो फिर आपने शोर क्यों नहीं मचाया? खाना, अरे हमने खाना खाया भाई, हमारी राम प्यारी है ना, हमको खाना खिलाती थी। आप जाके दूध किचन में रख दीजिए और राम राम भैया। राम राम, अच्छा हम जाते दूध रख दे। मेरे लॉकेट का तो कुछ पता नहीं चला ना, कहाँ गया होगा? लॉकेट लॉकेट लॉक, दो आदमी झांक रहे थे, हो ना हो ये दो आदमी जरूर डॉक्टर जल्लाद और टुनफुन होंगे। माय गॉड, अगर ये लॉकेट उनके हाथ लग गया वो तो तबाही मचा देंगे। मैं क्या करूं, लॉकेट भी नहीं है और टुनफुन और डॉक्टर जल्लाद। मंकी स्टूपिड फूल, कम सुबह सुबह खेलते रहते हो यहां में कुछ। अरे तुम नीचे पड़े हुए थे और मैं तुमको लोगों के कितना परेशान हुआ जानते हो? हाँ चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम गलत लोगों के हाथ तो नहीं लगे ना। वेलकम बैक होम। वाह 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 वाह, एक और सुनो। हाँ, बच बच के हमसे दूर। हाँ, कहाँ दफा हो जाती हो। हाँ, बच बच के हमसे दूर। हाँ, कहाँ दफा हो जाती हो, कमर का कमरा बन गया है, ऐसा पला क्या खाती हो। लेकिन रोशन सिंह जी, ये शेर तो आपने पप्पू चाट वाला से चुराया ना? चुप है, ये शेर मैंने खुद लिखा है पर्सनली। रोशन सिंह क्या आजकल तुम भी पोएट्री करती? पोटी शॉटी तो बच्चे करती, हम तो शायरी करते हैं शायरी। अर्ज कीता है। हाँ। आग लग गई, डाका पड़ गया थाने में, रोशन बन गया शायर बेदर्द जमाने में। हाँ 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 हाँ। हाय यू गाइस। हाय यू गाइस। कुड़िये, ये तू आज अपने बचपन के कपड़े पहन के क्यों घूम रही है? शट अप यू गाइस, दिस इज फैशन यू नो। पर तुम तो फैशन कभी भी नहीं करती थी, अब क्या हो गई? वेल वो मुझसे कोई मिलने आने वाला है। कौन? जॉन्टी। जॉन्टी? यस जॉन्टी, ही इज एन एनआरआई फ्रॉम अमेरिका। हाय हाय, कोई शादी-वादी का मामला है? यस, उसे सिर्फ मॉडर्न लड़कियां पसंद है। मेरे को भी मॉडर्न लड़कियां पसंद है। मुबारका जी मुबारका। थैंक यू रोशन जी। लेकिन उसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैं सिर्फ कोल्हापुरी चप्पल पहनती हूँ और मुझे कढ़ी चावल पसंद है। कढ़ी चावल? छी 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 छी, हम तो उसे ये बताएंगे कि आप बचपन से हाइल्स पहनती हो और लंच में बैगर खाती हो। तुम बैगर बोली कि बर्गर बोली? हाँ बर्गर। इस पिस्तौल का आविष्कार मैंने 2 साल पहले किया था। ऐसी क्या खास बात है इसमें? ये मामूली पिस्तौल नहीं है, बहुत डेंजरस है। इससे सामने वाले दुश्मन पर हाइड्रोजन बॉम्ब डाल सकते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब? यस। आदमी को मारने के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब? यस। और ये देखो लेजर नाइफ। लेजर नाइफ? हे काट डालोगे मुझे, क्या कर रहे हो? लेजर नाइफ। डॉक्टर ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि हम दुनिया पर राज कब करेंगे? जल्दी करेंगे, लेकिन उससे पहले पैसे कमाएंगे।
पैसे कैसे कमाएंगे? ये मेरा नया आविष्कार, किराए पे देकर। फिर हम दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो जाएंगे, दुनिया पर राज करेंगे। नाक के बाल जल गए, कितना पीता है रे तू। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साला? I don't know सर, बट पेशेंट के सीने में वाकई हार्ट नहीं है। यहाँ तो सर्जरी का कोई निशान भी नहीं है। Has he died? No सर, मैंने इसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जिंदा रखा हुआ है। Well, मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। राजेश्वरी को एक एनआरआई मुंडा मिला है। वाह 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 वाह, पर कैसा एनआरआई? कौन एनआरआई? मुंडे का नाम है फुल मोंटी। अरे बाप, शट अप यू गाइस, उसका नाम है चोंटी। आई एम चोंटी सिंह फ्रॉम शिकागो। वेलकम जी, वेलकम। हाय यू गाइस, आई एम राजेश्वरी। ओए वाह, तुम तो बिल्कुल अमेरिकन लड़की लगता है। Really? Yes. और तुम तो बिल्कुल मेरी तरह बोलती है। तुम कहाँ बोली, तुम अमेरिका में रहती है? तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछती है? क्योंकि पहले मैं भी अमेरिका में रहती थी। हम शिकागो में रहते, ये रही हमारे केड। जितेंद्र सिंह, मूलचानी, डोडा, Wait, this is not my card. I'm giving you, This is my card. Thank you. राजेश्वरी, तुम ये कैसा कपड़ा पहना? हमको ऐसा मॉडर्न लड़की अमेरिका में भी मिलता, हम इधर ट्रेडिशनल इंडियन लड़की को ढूंढने आया। नहीं चंटी जी, ये मॉडर्न लड़की नहीं होती, ये प्योर इंडियन लड़की होती होती। तुम नाइट क्लब जाता है? नो, मैं तो हर शाम मंदिर जाती हूँ। तुम बर्गर पिज्जा खाता है? नहीं, मुझे सिर्फ कड़ी चावल पसंद है। Very nice, very nice. फिर हम तुमसे शादी कर सकते हैं। या हेलो जॉन्टी हियर, व्हाट, काम हो गया? वंडरफुल, माल को फॉरन अमेरिका भेजा दो। ओके ओके मैम, हम अभी जाता है, फिर तुम्हारी मम्मी को मिलता है, बात पक्का करता है। ओके बाय बाय गाइस, बाय। लो जी, कल फिक्स हो गई है, आपको आपका फुल मॉन्टी मिल गया। वेरी गुड। हेलो राजू राजाराम, वन मिनट। रोशन सिंह जी, आपका फोन। हेलो, इंस्पेक्टर रोशन सिंह स्पीकिंग। क्या हॉस्पिटल में चोरी हो गई? व्हाट, दिल चोरी हो गया है? ओह अच्छा, हम अभी आते हैं। ओके राजू, राजेश्वरी, फॉलो मी। क्यों? एक केस आया है। ये सच है, पेशेंट का दिल किसी ने चुरा लिया है। You mean to say, human organs की चोरी हुई है? लगता तो यही है, पर प्रूव करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पेशेंट के बदन पर सर्जरी का कोई निशान नहीं। लेकिन दिल गया कहाँ? ये पता लगाना आप लोगों का काम है। पर डॉक्टर, ये पता कैसे चला? पेशेंट के हाथ का ऑपरेशन होना था, डॉक्टर चावला ही ऑपरेशन कर रहे थे, तभी पता लगा। ये डॉक्टर चावला कहाँ मिलेंगे? इस वक्त अपने रूम में होंगे। डॉक्टर साहब, एक बात बताओ, पेशेंट का नाम क्या था? सलीम। शादीशुदा था? जी नहीं, पर उसकी एक मंगेतर है। उसका क्या नाम था? अनारकली। फिर तो बात एकदम साफ है, एक था सलीम और एक थी अनारकली। ये सलीम का दिल ना अनारकली नहीं चुराया, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। केस इज सॉल्व्ड। चलिए अनारकली को ढूंढते हैं। आप जाके ढूंढिए, हम पीछे पीछे आते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। अनारकली तू कितने? सॉरी जी,
गलती होगी माफ कर दियो। आपको चोट तो नहीं लगी? चोट तो लग गई है। कहाँ? साढ़े तीन विच सोने हो। पास राजू चलो ना जल्दी। अरे रोशन जी आप अभी तक इधर ही हो? चलिए चलिए तुसी चलो, मैं जरा अपनी लाइफ की अनारकली को एक बढ़िया सा शेर सुना के आता हूँ। ये इस गायब सेक्शन में क्या हो रहा है? जिसे देखो इश्क फरमा रहा है, शादी की बात कर रहा है, और तुम राजेश्वरी तुम उस जॉन्टी सिंह से शादी बिल्कुल मत करना। हाँ क्यों? क्यों क्या? वो लड़का ठीक नहीं है। तो किससे शादी करूं? चलिए बहुत काम है, दिल सलीम इन्वेस्टिगेशन, चलो। सर सुपरिंटेंडेंट साहब ने आपके लिए विजिटर्स भेजे हैं, आइए प्लीज कम। डॉक्टर चावला। यस मैं राजू राजाराम और ये हैं राजेश्वरी। राइट हम दोनों सलीम केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आपसे मिलने के लिए आए हैं। यस आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था, जैसे कि उस दिन ऑपरेशन के वक्त आपके साथ कौन कौन था? कोई नहीं एक्सेप्ट जूनियर डॉक्टर अलका। आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता कि आप दोनों अकेले ऑपरेशन कर रहे थे? उस दिन नर्सिस की स्ट्राइक थी। डॉक्टर साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि सलीम का हार्ट सर्जरी करते वक्त निकाल दिया हो, क्योंकि आजकल इंसानी जिस्में बेचे खरीदे जा सकते हैं ना? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, पर इस केस में उसके बदन पर सर्जरी का निशान होना चाहिए था। थैंक्स डॉक्टर साहब, हम आपसे फिर मिलते हैं। श्योर, ये मेरा कार्ड रखिए, आप लोग मुझे घर पर भी मिल सकते हैं। थैंक यू, काफी अच्छा टाइम पास है ना। ये तो हो ही नहीं सकता मैडम अनारकली जी, मैंने पता है कि सलीम का दिल आपने चुराया है। सच बताओ वरना। सच क्या बताऊं? कि सलीम का दिल कहां छुपा के रखा है? अफो आप क्यों बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछे जा रहे हो? दिल मिल चुराना हकीकत में नहीं होता, सिर्फ शेर और शायरी में होता है। शेर और शायरी? आप फाड़ो मैडम, एक शेर सुनो। मैं शायर बदनाम मैं चला, टूटा खाली जाम मैं चला। वाह वाह वाह, आप लोग पागल हो, मैं जा रही हूँ, हटो। चुरा के दिल साडा गोरिया चली, बट कौन सी गली माने। यस yes. ये दिल के पास जाएगी, पीछा करते हैं, चल। राजू प्लीज मुझे घर ले चलो ना, मुझे चला नहीं जा रहा। किसने कहा था तुमको ये सब पहन के आने के लिए? मॉडर्न बनना था तो विचारों से मॉडर्न बनो, सैंडल पहन के। तुम अभी लेक्चर मत दो। ओके ओके ओके, मुझे डीसी को फोन करना है। हेलो डीसी, हाँ सुनो मुझे एक आदमी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। हाँ जरा उसका एड्रेस नोट कर लो। वन मिनट बोलो। डॉक्टर चावला 54B ओशन व्यू वर्सोवा अंधेरी वेस्ट। हाँ जल्द से जल्द इसके बारे में रिपोर्ट मुझे दे सकते हो? ओके थैंक यू बाय। हो गया ना ये काम, जरा दूसरा काम कर ले। डॉक्टर सुनिए आप हमें बता सकती हैं कि डॉक्टर अलका कहाँ मिलेंगी? जी डॉक्टर अलका तो मैं हूँ, कहिए। आप जी हम सलीम केस के बारे में जानना चाहते हैं। हम लोग प्रेस से हैं। अच्छा कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखिए हम ये जानना चाहते थे कि जिस दिन सलीम को यहाँ लाया गया था क्या वो बिल्कुल ठीक ठाक था? बिल्कुल। और जब आप डॉक्टर चावला के साथ ऑपरेशन थिएटर में थी तो कभी कहीं आपने उनको कहीं अकेला तो नहीं छोड़ा था? जी जी नहीं, लेकिन मुझे जाना पड़ा था। दरअसल मेरा मेरे पति के साथ तलाक हो चुका है और उनके साथ सामान का बंटवारा करना था। यानी कि डॉक्टर चावला कुछ देर के लिए ऑपरेशन थिएटर में अकेले थे? जी हाँ, लेकिन प्लीज आप किसी को बताइएगा नहीं? नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी डोंट वरी। थैंक यू। कहीं डॉक्टर चावला ऐश्वरी, चलो मेरे साथ। राजू Thank you.
ये हम क्या कर रहे हैं सर? जासूसी, मुझे पूरा शक है कि इसी अनारकली ने सलीम का दिल चुराया है। फॉलो मी। सर, शाम होने वाली है। ते मैं की करा? ये तो आपके शायरी करने का वक्त है। और चलो नदी के किनारे बैठते हैं। चुप है। जब तक मैं ये केस नहीं सॉल्व कर लेता, एक भी शेर नहीं लिखूंगा। आजा, देख रोशन का कमाल। सर, मैं आगे आ जाऊं क्योंकि मुझे पीछे सिर्फ आपकी वर्दी दिख रही है और मुझे डर भी लग रहा है कहीं मैं गिर ना जाऊं। चुप है डरपोक। अफसर हमेशा आगे रहता है, सिपाही हमेशा पीछे रहता है। फॉलो मी। सर, आप गिर गए सर। अरे रोशन जी, आप अभी तक इधर ही हो? और ये क्या हुआ? पूछो मत जी, टांग टूट गई है। और कैसे? सर, छत के ऊपर से नीचे गिर पड़े। अरे पर कैसे? अनारकली का पीछा कर रहे थे। अनारकली? माने मुझे मेरी अनारकली के पास ले चल यार। यस सर। हाँ डीसी, बोलो। डॉक्टर चावला के बारे में मैंने इन्वेस्टिगेशन करी पर कोई भी इम्पोर्टेंट बात नहीं मालूम पड़ी। क्या कोई खबर नहीं मिली? नहीं, पर एक बात मालूम पड़ी है कि वो हर रात को कसीनो जाती। कसीनो? हाँ, और वो भी हर रात नई लड़की के साथ, और वहां पर सिर्फ कपल्स अलाउड है। ओके, बाय। राजेश्वरी, डॉक्टर चावला रोज रात को कसीनो जाते हैं, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? हे, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये क्या कह रहे हो तुम राजू? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कसीनो जाने के लिए तुम मेरा गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करोगी? प्लीज। हाँ ग्रेट, चलो। Miami, South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high hill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, Dost, ye 5 rupay ka note aapka ho sakta hai agar aap mujhe mere matlab ki kuch information de. To ye kahiye, is casino mein Dr. Chawla ka ek client roza, aap unke bare mein mujhe kya bata sakte hain? सबसे बड़ा जुआरी हुई था साहब, कैसीनो के ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज आता और उसमें 3 लाख रुपया चुकाया। कैश? जी हाँ कैश। इतना पैसा उसके पास आया था? वो मुझे नहीं मालूम। मेरी बात सुनेंगे साहब? आप भी हमत के लिए क्यों? आप हार जाएंगे ना। क्या सेठ, किस्मत आजमाने का है क्या? आप कौन? मैं इस कैसीनो का मैनेजर माइकल। वेल मिस्टर माइकल, लेट्स प्ले। राजेश्वरी, पैसा। मैं भी आता। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और ठीक होना कौन चाहता है कुड़िये? मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा के लिए तेरे इस अस्पताल में भर्ती हो जाऊं ताकि तेरा चांद सा मुखड़ा मेरी आंखों के पीछे रहे। प्लीज फॉलो मी। टुन फुन, यस, हमें हमारे काम की कीमत मिल गई है। यस बॉस, अब हम याशी करेंगे। डॉक्टर जलाद, यस, आज थर्रा पिएंगे, थर्रा थर्रा। कम ऑन, दुख भरे दिन बितरे भैया, बितरे भैया। तुम्हारे घर और कौन कौन है? दुख भरे दिन बितरे भैया, बितरे भैया। फरार कैदियों उस दिन हवालात से भाग गए थे, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या हो रहा है? बाप रे, मारे जा अपने को। बोल 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 बोल, क्या करना है? भागो भागो यार, जल्दी भागो। ठहर जाओ, एक बार मेरे हाथ आ जाओ। आज किसी बात पर
अब क्या जाओगे बच के रोशन सिंह से? हैं जेल से भाग गए थे? अब बोलो अब क्या करेंगे? आए मेरी दुखती जान में लाते मार रहे हो? आए मार के ओए आए। रोशन जी आप ठीक तो हैं? लगता है आपकी टांग फिर से टूट गई। आए अरे वो लोग अपना बैग तो यहीं भूल गए हैं। इसे खोल के देखते हैं इसमें बम तो नहीं है कहीं। इसमें तो बहुत सारे नोट है। ये कृपाल तो बहुत सोनी है। मैं ना अपनी शादी में ऐसी कृपाल लेके घोड़ी पे बैठूंगा। ये कृपाल नहीं है। तो क्या है ये? लगता है लेजर नाइफ है। लेजर नाइफ? हाँ, इससे काटने पर बदन पर कोई निशान नहीं पड़ता। लगता है इसी से सर्जरी करके सलीम का दिल किसी ने निकाल लिया। पर सवाल ये उठता है कि किसने किया, क्यों किया और किसके कहने पे किया।